सेक्शन सेवेंटीन टू इसमें हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट कैटेगरी पर्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉज जिसमें कि हम फर्स्ट कर रहे हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन जिसमें आपका एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए घर प्रोवाइड करता है इसकी कैल्कुलेशन हम कर चुके हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर चुके हैं इसमें आपका एक नेक्स्ट पार्ट है एक सेपरेट पार्ट है रेंट फ्री अकोमोडेशन में अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल कभी कभी क्या होता है कि आपका इम्प्लॉयर जो है वो आपको रहने के लिए घर तो नहीं देता लेकिन आपको रहने के लिए होटल का एक रूम प्रोवाइड कर देता है और उसका रेंट खुद बियर करता है आपको घर नहीं देता रहने के लिए आपको होटल में एक रूम बुक करवा देता है और उसका रेंट वो खुद बियर करता है ऐसा कब हो सकता है मान लीजिए कि आप तो so, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है जब आपको ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको एकमोडेशन अरेंज करने में टाइम लगता है ठीक है अब उसको उसने आपको घर लेकर तो देना है लेकिन वो घर अभी उसके पास रेडिली अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करता है वो आपको कुछ दिन के लिए होटल के रूम में स्टे करवा देता है मान लीजिए पंद्रह दिन के लिए या एक महीने के लिए जब तक वो घर अरेंज नहीं कर लेता तब तक वो आपको बोलेगा कि आप होटल में रह लीजिए और होटल के चार्जेस वो खुद बियर करेगा तो ऐसे में आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे कैलकुलेट होगी देखते हैं आपको लेना है लिस्ट ऑफ द तो फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पर्क इन दिस केस is least of the following. least of of the the following aayega में क्या आएगा 24% तो आप le lijiye 24% of salary ले लीजिए और actual hotel charges जो hotel के रूम के चार्जेस आपका employer आपके बिहाफ पर पे कर रहा है वो ले लीजिए दोनों में से Whichever is less, is your value of taxable और इसमें से आप माइनस कर दीजिए सब्ट्रैक्ट क्या सब्ट्रैक्ट करना है अगर आप कुछ पे कर रहे हैं मान लीजिए दस हजार रुपए रेंट है दस हजार में से दो हजार आप पे कर रहे हैं तो आठ हजार विल बी टैक्सीबल ठीक है जी सब्ट्रैक्ट क्या करना है अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉ हो सकता है कुछ रेंट आप बियर कर रहे हो तो जितना अमाउंट आप बियर कर रहे हैं वो माइनस कर दीजिए दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वर्क इतना ही है इसमें इलस्ट्रेशन करते हैं समझ में आ जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको एक नोट लिखना है नोट लिखिए नोट क्या है यहां पर होटल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड फॉर अप टू फिफ्टीन डेज अगर आपको होटल अकोमोडेशन सिर्फ पंद्रह दिन के लिए ही प्रोवाइड करी गई है नथिंग इज टैक्सीबल ठीक है जी फिर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी अगर आपको होटेल अकोमोडेशन पंद्रह दिन के लिए दी गई है तो आपकी पर्क के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा दैट विल बी टैक्स फ्री लेकिन अगर आपको होटेल अकोमोडेशन प्रोवाइड करी गई है फॉर मोर देन फिफ्टीन डेज अगर पंद्रह दिन से ज्यादा के लिए होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड करी है तो उस केस में क्या होगा ध्यान से देखना अप टू फिफ्टीन डेज पंद्रह दिन के लिए तो आप कुछ भी नहीं लेंगे अप टू फिफ्टीन डेज पंद्रह दिन के लिए तो एग्जाम हो जाएगा नथिंग विल बी टैक्सेबल और जितने भी दिन एक्सीड exceed करेंगे एक्सीडिंग फिफ्टीन डेज जितने भी दिन पंद्रह दिन से ज्यादा होंगे उनके लिए आप ये कैलकुलेशन करेंगे टैक्सेबल एज पर प्रोविजन उसके ऊपर टैक्स लगेगा और वो टैक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ऐसे यहां तक किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में डालिए एनी वन हैविंग डाउट टिल तो चलिए एक इलास्ट्रेशन डिस्कस करते हैं

उसकी चे, चेन्नई में ट्रांसफर हो जाती है ही स्टेड इन अ होटल वो होटल में स्टे करता है कितने दिन के लिए फॉर थर्टी डेज फिफ्टीन डेज से ज्यादा है ये एंड देन मूव्ड इनटू हाउस उसके बाद जो उसका एम्प्लॉयर उसके लिए घर ढूंढता है वो उसमें शिफ्ट हो जाता है लेकिन थर्टी डेज के लिए वो होटल में रहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्यूट द वैल्यू ऑफ वर्क इफ अगर जो वरुण की सैलरी है इज रुपीज फोर थर्टी एट थाउजेंड पर एनम पूरे साल की जो उसकी सैलरी है फोर थर्टी एट थाउजेंड है जो कंपनी है वो वरुण के बिहाफ पर होटल रूम का द कंपनी पेड रूम रेंट होटल का जो रूम है उसका जो रेंट पे कर रही है कंपनी दैट इज एट हंड्रेड पर डे एक दिन का आठ सौ रुपया और इसमें से वरुण से कितना ले रही है चार्ज फ्रॉम वरुण वरुण इसमें से कितना पे कर रहा है ओनली एट्टी रुपीज पर डे बताइए कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट कितना है तो यहां से क्योंकि वो होटल में स्टे कर रहा है तो आपको क्लियरली यहाँ पर ये दिख रहा है कि दिस इज द केस ऑफ होटल एकोमोडेशन दिख गया आपको चैटबॉक्स अपना ऑन रखिए अपनी क्वेरीज और अपने आंसर्स के लिए होटेल एकोमोडेशन का केस है ये और होटेल एकोमोडेशन में आपको देखना है कि पंद्रह दिन से कम है तो आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है लेकिन जहां पर स्टे फिफ्टीन डेज से ज्यादा होगा वहां पे आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी सो so, टोटल स्टे कितना है थर्टी डेज का थर्टी डेज में से जो फिफ्टीन डेज हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और जो बाकी पंद्रह दिन बचे वहां पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है अब ये कैसे कैलकुलेट करना है सबसे पहले आपको चाहिए होगी सैलरी सैलरी चाहिए होगी मीनिंग ऑफ सैलरी तो मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है मीनिंग ऑफ सैलरी में वो सब आ जाएगा जो होटल रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए आता है लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल सैलरी गिवन है बेसिक डी ए ये वो फालतू चीजें नहीं गिवन सो यहाँ पर हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं और डायरेक्टली कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे 24 टी फोर परसेंट ऑफ सैलरी अब देखिए ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ ये सैलरी है आपकी पूरे साल की और आपको कितने दिन की सैलरी से मतलब है आपको कितना टैक्स कितने दिन के ऊपर टैक्स पे करना है फिफ्टीन डेज पर सो so, आपको पंद्रह दिन से मतलब है फिफ्टीन डेज से मतलब है लेकिन ये सैलरी तो पूरे साल की है तो पर डे सैलरी कितनी होगी इसको थ्री सिक्सटी फाइव से डिवाइड कर दीजिए जब आप इसको थ्री सिक्सटी फाइव से डिवाइड करेंगे तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी इस तरीके से जब आप करेंगे तो वन डे सैलरी आ जाएगी एक दिन की सैलरी को दिस इज सैलरी पर डे आपको कितने दिन की सैलरी चाहिए आपको पंद्रह दिन की सैलरी से मतलब है इन टू फिफ्टीन कर दीजिए पंद्रह दिन की सैलरी आ गई इंटू ट्वेंटी फोर परसेंट तो इस हिसाब से जो आपका ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ सैलरी आया दैट कम्स आउट टू फोर थ्री टू जीरो दिस और रूम का रेंट हांजी रूम का रेंट कितना है एट हंड्रेड रुपीज कितने दिन के लिए फॉर फिफ्टीन डेज कितना आया ट्वेल्व थाउजेंड विच एवरेज लेस कौन सा कम है फोर थ्री टू जीरो इज द लीस्ट सो विच एवरिज लेस इज वॉट इज फोर थ्री टू जीरो लेस कर देंगे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयी एम्प्लॉ से कितना मिल रहा है एम्प्लॉ दे रहा है एट्टी रुपीज एटी रुपीज दे रहा है प्रतिदिन के हिसाब से इन टू फिफ्टीन डेज तो एम्प्लॉय कितना दे रहा है बारह सौ रुपए सो वट इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर्क विजिट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर्क इज थ्री वन टू जीरो आई बात समझ में So, यहां पर इम्पोर्टेंट क्या है यहां पर इम्पोर्टेंट ये है कि 15 डेज के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगाना 15 डेज रेंट पर और बाकी 15 डेज के ऊपर आपको टैक्स लगाना है ओके okay, जी कोई डाउट्स हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज डोंट राइट योर रोल नंबर्स इन द चैट बॉक्स अपनी अटेंडेंस मत मार्क कीजिए चैट बॉक्स में ठीक है जी नेक्स्ट देखते हैं इसमें एक और छोटा पॉइंट आता है एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एकोमोडेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर अब कभी कभी क्या होता है बेटा आप यहाँ पर पोस्टेड थे प्लेस प्लेस ऑफ ऑफ पोस्टिंग पोस्टिंग आपकी पहले जॉब पर थी आपको आपके एम्प्लॉयर ने ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगह पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग टू आपको यहां से यहां पर ट्रांसफर कर दिया जब आप यहाँ पर पोस्टेड थे प्लेस वन पर पोस्टेड थे तो यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक रेंट फ्री एकोमोडेशन रेंट फ्री हाउस दे रखा था जब आपको आपके एम्प्लॉयर ने दूसरी जगह पे शिफ्ट किया तो आपको यहाँ पर भी एक रेंट फ्री हाउस ले दिया दिस इज योर रेंट फ्री हाउस वन दिस इज योर रेंट फ्री हाउस टू अब आपके पास तो दो दो अकोमोडेशन हो गई तो आप इसके ऊपर भी टैक्स पे करेंगे आप इसके ऊपर भी टैक्स पे करेंगे है कि नहीं सो so, यहां पर प्रोविजन क्या कहती हैं यहां पर प्रोविजन्स ये कहती है फर्स्ट इफ बोथ accommodations are retained अगर दोनों accommodations एक ही employee के पास रहती हैं for up to 90 days 90 days तक अगर दोनों accommodations दोनों घर एक ही एम्प्लॉ के पास रहते हैं तो ऐसे में दोनों में से जो लोअर होगा टेक्सेबल पर्क इज इक्वल टू लोअर ऑफ द टू हाउसेस आप यहाँ पर भी कैलकुलेशन कीजिए आप यहां पर भी कैलकुलेशन कीजिए वैसे ही जैसे मैंने बताया था अनफर्निश्ड प्लस फर्नीचर देन फर्निश्ड आप यहां पर भी कैलकुलेशन कीजिए और आप इसकी भी कैलकुलेशन कीजिए जो दोनों में से कम होगा वो आपका Taxable हो जाएगा. अगर अप टू नाइनटी डेज की बात है लेकिन आपके पास दोनों घर रहे बोथ अकोमोडेशन आर रिटेन जहां पर आपके पास दोनों घर रहे फॉर मोर देन नाइंटी डेज नब्बे दिन बीत गए और अभी तक आपके पास दोनों घर हैं, तो आपका जो टैक्सेबल पर्क होगा वो क्या होगा वैल्यू ऑफ बोथ हाउसेस दोनों घर लेंगे फिर आप इसकी भी वैल्यू निकालेंगे इसकी भी निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे पहले वाले में क्या किया था इसकी कैलकुलेट करी इसकी कैलकुलेट करी वैल्यू दोनों में से जो कम हुआ वो ले लिया यहाँ पर तो ये है तो इस केस में आपको फायदा है लेकिन जहां पर 90 दिन से ज़्यादा हो गए और अब तक आपके पास दोनों घर हैं तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि फिर दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी ठीक है जी दिस इज द सेकेंड केस कि अगर आपने दोनों घर रिटेन करके रखे हैं फॉर मोर देन 90 डेज एक इलास्ट्रेशन देखते हैं इलास्ट्रेशन ट्वेल्व कंप्यूट द वैल्यू ऑफ पर्क्विज़िट इन रिस्पेक्ट ऑफ

सीडिंग टेन लैक्स जहां पर जनसंख्या दस लाख से नीचे है सेकेंड जहां जनसंख्या दस से पच्चीस लाख के बीच में है और जहां पर जनसंख्या पच्चीस लाख से ज्यादा है हाँ जी क्या होता है आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज जहां पे जनसंख्या दस लाख से कम है वहां पर सैलरी का कितना परसेंटेज लेते हैं सेवन पॉइंट फाइव परसेंट पूनम नितिश ग्रेट टेन टू ट्वेंटी फाइव के ऊपर नितिश दीपिका भारती इंदु नंदिनी फिफ्टीन परसेंट शिवानी शिवानी फिफ्टीन दिशु फिफ्टीन ग्रेट ठीक है जी आगे देखते हैं क्या लिखा है महेश को क्या क्या मिलता है बेसिक महेश को मिल रही है बेसिक सैलरी रुपीज वन फोर्टी फोर थाउजेंड उसे मिल रहा है डीए ए

जो उसका एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स रेफ्रिजरेटर एम्प्लॉयर उसको ना फ्रिज दे रहा है और साथ ही साथ उसको टीवी दे रहा है जिसकी की कॉस्ट है ट्वेंटी फोर थाउजेंड कॉस्ट ट्वेंटी फोर थाउजेंड है दैट मींस एम्प्लॉयर ने खरीद के आपको दिया है तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर में कितना ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर में कितना ऐड होगा टेन परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दर्सेंट ऑफ ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयर पे कर रहा है फाइव हंड्रेड पर मंथ टूवर्ड्स रेंट टूवर्ड्स रेंट ऑफ अदर फर्नीचर भाई जो तो टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर है वो तो एम्प्लॉयर का खुद का है टेन तो परसेंट तो इसका ऐड हो जाएगा फर्नीचर में साथ ही साथ जो बाकी फर्नीचर है उसके लिए इंप्लॉयर फाइव हंड्रेड पर मंथ भी पे कर रहा है तो ये रेंट भी ऐड होगा साथ ही साथ आइए जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस मीनिंग ऑफ सैलरी में आपका बेसिक आ जाएगा बेसिक कितना वन फोर्टी फोर थाउजेंड डीए नहीं आएगा क्यों क्योंकि डीए एंटर नहीं है और इसके साथ ही बोनस आ जाएगा बोनस इज एटीन थाउजेंड और कुछ नहीं आएगा तो आपकी जो सैलरी है दैट इज रुपीज वन लैक सिक्सटी टू थाउजेंड ये तो मीनिंग ऑफ सैलरी हो गया अब वैल्यू ऑफ फर्नीचर वैल्यू ऑफ फर्नीचर में सबसे पहले अगर हम रेफ्रिजरेटर और टीवी की बात करें तो टेन परसेंट ऑफ ट्वेंटी फोर थाउजेंड टेन परसेंट ऑफ ट्वेंटी फोर थाउजेंड इज वट ट्वेंटी फोर हंड्रेड साथ ही साथ अदर फर्नीचर का रेंट अदर फर्नीचर का रेंट पे हो रहा है फाइव हंड्रेड इंटू 12, 500 एक महीने का, तो महीने का का तो कितना छ हजार अकॉर्डिंगली ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ फर्नीचर अब हम केसेस करते हैं केस जहां पर पॉपुलेशन है अप टू टेन लैक टेन लैक्स तक की पॉपुलेशन है वहां पर आप क्या कैलकुलेट करेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ अन फर्निश्ड अकोमोडेशन वैल्यू ऑफ अन फर्निश्ड अकोमोडेशन इज सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ सैलरी और सैलरी कितनी है हमारी जीरो इसमें हम एड करेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर और वैल्यू ऑफ फर्नीचर हम कैलकुलेट कर, कर चुके हैं एटी फोर हंड्रेड सो दिस कम्स आउट टू

एड करेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज एटी फोर हंड्रेड सो दिस कम्स आउट टू ट्वेंटी फोर सिक्स हंड्रेड दिस इज योर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस अगेन लास्ट पार्ट थर्ड जहां पर पॉपुलेशन है मोर देन ट्वेंटी फाइव लैक्स वहां पर वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज वॉट फिफ्टीन परसेंट ऑफ सैलरी एंड ऑफ फर्नीचर की वैल्यू फर्नीचर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं एटी फोर हंड्रेड थर्टी टू सेवन हंड्रेड इज द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस दिस इज हाउ दिस कम ऑन इन द चैट चैट बॉक्स जल्दी से कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए मैम इसमें तो दोनों केसेस है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और रेंट बाय इम्प्लॉय एज इफ पेड बाय एम्प्लॉयर कौन से केस में दीपिका नितेश फर्नीचर वाला केस एक्सप्लेन कीजिए ओके okay, फर्नीचर वाले केस में देखिए बेटा फर्नीचर में ये है कि जो तो रेफ्रिजरेटर और टीवी है वो तो एम्प्लॉयर का खुद का है तो जहां पर फर्नीचर के केस में मैंने आपको क्या बताया था फर्नीचर के केस में यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ ये देखिए फर्नीचर के केस में मैंने आपको क्या बताया था वैल्यू कैसे लेनी है अगर तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है अगर एम्प्लॉयर का खुद का है खरीद कर आपको दिया है तो क्या करना है और अगर इम्प्लॉयर ने रेंट पर ले रखा है टेकन ऑन रेंट बाई एम्प्लॉयर तो अलग केस बनता है अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो आप क्या लेंगे टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जितनी फर्नीचर की कॉस्ट है उसका दस परसेंट ले लीजिए और जहाँ पर इम्प्लॉयर ने भाड़े पर लेकर आपको दिया है वहाँ पर जितने भी रेंट चार्जेस हैं वो आपकी फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर और टीवी है वो तो इस केस में आता है यहाँ पर आ रहा है और जो अदर फर्नीचर है देखिए, रेफ्रिजरेटर प्लस टीवी तो इस केस में आ रहा है वो इम्प्लॉयर का खुद का है और अगर हम अदर फर्नीचर की बात करें अदर फर्नीचर में क्या आ सकता है जैसे कि फैन आ गया या फिर ए आ गया या फिर बेड तो जो अदर फर्नीचर है वो एम्प्लॉयर ने भाड़े पर लेकर आपको दिया है तो यहाँ पर रेंट चार्जेस आ जाएंगे सो so, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना बेटा यहाँ पर आपको दोनों तरह का फर्नीचर दे रहा है वो ओन्ड भी और रेंटेड भी हां जी दीपिका आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोनों केसेस सेम ले लिए दीपिका आप किस क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर प्लीज मेंशन कीजिए इलेस्ट्रेशन इलेवन और इलेस्ट्रेशन ट्वेल्व